क्लास 10th और 12th वाले ध्यान से वीडियो देखें, हिंदी में कंपार्टमेंट एग्जाम होगा या नहीं होगा मैं पूरे प्रूफ के साथ आपको दिखा रहा हूं और लास्ट में बताऊंगा, आप जा करके चेक भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और वीडियो को ध्यान से देखिए और प्लीज सबके पास शेयर करिए जितने बच्चे हिंदी में फेल हो, जिससे उनका एक साल बर्बाद ना हो। सबसे पहले यहां पर पढ़ना शुरू करिए, एक एक पॉइंट पढ़ करके मैं बता रहा हूं आपको। सबसे पहले तो यहां पर लिखा है, ठीक है, मेरठ का ये खबर है, अगर हिंदी के पेपर में अनुपस्थित रहे या फेल हो गए हैं, दोनों चीज, या तो आप अनुपस्थित हैं या तो फेल हो गए हैं, ठीक है। हाई स्कूल या इंटरमीडिएट में पास हो सकते हैं, हाई स्कूल में बाकी पांचों विषय में पास होना होगा, इसी तरह इंटरमीडिएट में कंपार्टमेंट दे सकते हैं, जबकि पहले हिंदी विषय में अनुपस्थित रहने या फेल होने पर बाकी विषयों में पास होने के बावजूद, देखो यहां पे दिया गया है, यहां पे लिखा गया है, ठीक है, ध्यान से पढ़ो आपको आ जाएगा, बावजूद फेल ही माना जाता था, मगर अब यह बदलाव कर दिया गया है, ठीक है। तो आप अभी जो पुराने ख्यालात वाले मैसेज बार बार कर रहे हैं कि सर हिंदी में फेल तो फेल, हिंदी में फेल तो फेल, बार बार ये नौटंकी, ये बदतमीजी बंद कर दीजिए, क्योंकि अगले बार भी एग्जाम हुआ था, ठीक है। आगे चलिए, आगे दिखा रहे हैं, ठीक है, हाँ, यह आप लिखा था फेल माना जाता था, मगर अब यह बदलाव कर दिया, यूपी बोर्ड की इंटरमीडिएट परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे अभ्यर्थियों को पहली बार कंपार्टमेंट परीक्षा सुविधा मिलेगी, ठीक है। यहां पर देख लीजिए, कंपार्टमेंट सुविधा शुरू हो गई है और जुलाई में कंपार्टमेंट परीक्षा कराई जाएगी, जिसमें वह एक विषय में फेल दोबारा परीक्षा दे सकेंगे, केवल एक विषय वालों का, ठीक है। पास होने पर उन्हें पास का प्रमाण पत्र मिलेगा, ठीक है। अच्छा, दो विषय में फेल अभ्यर्थी, ध्यान से पढ़ लीजिए, दो विषय में फेल अभ्यर्थी फेल माने जाएंगे, ठीक है, हालांकि उन्हें कंपार्टमेंट की सुविधा मिलेगी, ठीक है, लेकिन वो फेल माने जाएंगे, फेल दो में से किसी एक माना जाता था, ठीक है। यहां पर देख लीजिए, आराम से समझ लीजिए यहां पर, ठीक है, क्या क्या चीज है, हाँ, यहां तक दोबारा परीक्षा दे सकेंगे, पास होने पर उन्हें प्रमाण पत्र मिलेगा, दो विषय में फेल अभ्यर्थी फेल माने जाएंगे, हालांकि उन्हें कंपार्टमेंट सुविधा मिलेगी, फेल दो में से किसी एक विषय का कंपार्टमेंट परीक्षा दे सकते हैं और पास होने का प्रमाण पत्र मिलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब है हाई स्कूल के छः में से पाँच विषय में से पास होने पर पास माना जाएगा, हालांकि छात्र यदि चाहें तो फेल विषय के लिए इम्प्रूवमेंट परीक्षा दे करके नंबर में सुधार कर सकता है। जैसे एक विषय में हाई स्कूल वाले फेल हैं तो आप अपना कंपार्टमेंट एग्जाम दे करके उसको नंबर बढ़ा सकते हैं, आपके पास जो एक विषय में फेल है उसका भी पास रिजल्ट मिल जाएगा, ये आपके पास मौका है, इसको मत गवाइएगा, पैसा भर करके दे दीजिएगा, नहीं तो जिंदगी भर के लिए हो जाएगा, इस साल नहीं होगा तो फिर तुमको पूरा 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 फिर से फ्रेश हाई स्कूल करना पड़ेगा। तो प्लीज़ एक सब्जेक्ट के लिए आप पीछे मत हटिएगा, उसको दे दीजिएगा, और आपको आशा है आपको समझ में आ गया होगा कि हिंदी में फेल तो कंपार्टमेंट होगा। प्लीज़ अब बार बार आप कमेंट नहीं करिएगा, ठीक है, आप आराम से तैयारी करिए, जितने भी लोग हिंदी में फेल हैं और सभी विषय में अच्छे से नंबर उठाएं, जिससे उन्हें दिक्कत ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।